हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं टाइटल बार एंड विंडो के बारे में, जैसे कि हम इसका कलर चेंज कैसे कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास ये विंडो 10 है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। और हमें जाना है, यहाँ पर विंडो पर जाना है, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। विंडो पर जाते ही हमें जाना है सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको आ रहा है पर्सनलाइज पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं आपको लेफ्ट साइड में कलर का ऑप्शन आएगा, हमें इस कलर पर जाना है। कलर पर जाते ही आपको इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा और हमें इसे नीचे की साइड स्क्रॉल करना है और हमें जाना है, ये देखिए, टाइटल बार एंड विंडो पर। इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है, जो कि हम यहाँ से कोई सा भी जो आपको ये कलर नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जो आपको ये कलर्स नज़र आ रहे हैं, हम इसे कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं येलो करना चाहता हूँ तो मैं येलो भी चूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मेरा येलो हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में, आप देखिए विंडो जो है मेरा वो येलो कलर का हो चुका है। ऐसे कि जैसे आपको ये टाइटल दिख रहा है इसका, जो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए बॉर्डर जो है वो येलो कलर का हो चुका है। ऐसे ही मैं कोई भी जो ब्राउज़र है उसको ओपन करता हूँ, जैसे कि मैं क्रोम ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ऊपर की साइड जो टाइटल है वो येलो हो चुका है। इसी तरीके से आप भी अपना जो कलर है टाइटल का वो चेंज कर सकते हैं या फिर कोई सा भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।